अम्बाला में एक बार फिर जिंदा बम मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे पर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सामने खाली पड़े मैदान में 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड और एक आईईडी मिलने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। खाली मैदान में पड़े 3 हैंड ग्रेनेड और आईईडी को देखते ही प्रवासी श्रमिकों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद बम डिफ्यूजल टीमों ने मौके पर पहुंचकर तीनों जिंदा हैंड ग्रेनेड को सावधानी पूर्वक डिफ्यूज किया। फिलहाल पुलिस इस जांच में जुटी है कि ये 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड यहां पर कैसे पहुंचे। जानकारी देते हुए अम्बाला एसपी ने बताया कि हरियाणा पंजाब बॉर्डर के चंडीगढ़ हाईवे से 3 ग्रेनेड और आईईडी मिले हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये जानकारी भी दी कि कॉलेज के स्टाफ को ये बम कल शाम ही मिल गए थे। उन्होंने इस बात को भी माना, इसके बारे में सूचना उन्हें देर से मिली है। अम्बाला एसपी ने बताया कि इस मामले की जांच हर एंगल से की जाएगी। एनआईए सेंट्रल एजेंसियों को इस मामले की सूचना दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरी गहनता से ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि ये बम यहाँ पर कहाँ से आए। हाल ही में पंजाब में हुए चुनावों को लेकर भी उन्होंने इस मामले की जांच करने की बात कही। उन्होंने बताया कि बमों के साथ कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में एक्सप्लोसिव एक्ट का मामला भी दर्ज किया जाएगा। आज हमारे पास सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि चंडीगढ़ से अम्बाला रोड के ऊपर अराउंड 50 मीटर से ऑफ रोड सद्दोपुर गांव की हद के अंदर कुछ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस मिला। जब पुलिस टीम वहां पे मौके के ऊपर पहुंची और उन्होंने उस चीज़ का मुआयना किया, उसके अंदर टोटल 3 हैंड ग्रेनेड जो कि लाइव थे वो रिकवर किए गए, और साथ ही इसमें इसके अलावा एक इम्प्रूव्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस वहाँ से रिकवर किया गया। इसके बाद हमने रिस्पेक्टिव कंसर्न डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म किया और जो इसकी डिस्पोजल की प्रक्रिया थी वो शुरू की गई। अब हमारे द्वारा एक्सप्लोसिव एक्ट का मुकदमा दर्ज करके और फर्दर तफ्तीश की जा रही है। सर कुछ पता लगा है किस तरह यहाँ आएगी क्या कुछ? देखिए, ये एक बार हम गहनता से पूरी हर तरीके से हर एंगल से जांच करेंगे। जो भी इसके आस पड़ोस की जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर जो मेन हाईवे है, तो उसके हर चीज़ के हम एक बार जो एनालिसिस हैं वो सारी करेंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको उसी हिसाब से बताया जाएगा।